नंबर दो, अव्यर्थ कालत्वम। असली भक्त जो वास्तव में ईश्वर का वो दिव्य प्रेम प्राप्त करना चाहता है, वो अपने समय को कभी बर्बाद नहीं करता, नष्ट नहीं करता। वो एक एक क्षण का सदुपयोग करता है। ये मनुष्य शरीर हमें मिला है भगवान के भजन के लिए, इसका एक एक क्षण ईश्वर के भजन में लगाना है या फिर संसार का जो आवश्यक कार्य है वो करना है। अब हमें भाई बात भी करनी है कोई ऑफिस में, या घर में कोई बहुत आवश्यक कार्य है वो करना है, मुंह से कुछ बोलना है। लेकिन होता क्या है, अधिकांश लोग क्या करते हैं, निरर्थक गप्पे करते हैं बैठ बैठ कर दोस्तों में। अरे वो तो ऐसा है, अरे वो ऐसा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑफिस से आए, अपनी धर्म पत्नी से कहा चाय बनाओ। अब चाय पीते पीते, अरे आज घर में कौन कौन आया था, अरे आज हमारे ऑफिस में ऐसा हुआ, ये सब चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। तुम बैठकर हरि गुरु का चिंतन करो। किसी सत्संगी के घर गए, वहां बैठकर बात की, वो सत्संगी ऐसा है, वो प्रचारक ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा है, वो बहुत खराब है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम कौन होते हो दूसरों में दोष देखने वाले। अरे जब तुम्हारे अंदर स्वयं समस्त दोष हैं, जब तक माया है सारे दोष रहेंगे, तो फिर तुम्हें क्या अधिकार है दूसरों के दोषों की चर्चा करने का। लेकिन हम लोगों को दूसरों की निंदा करने में रस आता है। बैठे हैं, कोई पड़ोसी आया, अरे सुनो श्रीवास्तव जी। हाँ हाँ क्या बात है। अरे वो जो शर्मा जी है ना, हाँ उनकी जो लड़की है ना, हाँ अरे क्या बताएं, छोड़ो, अरे बताओ ना क्या हुआ। हाँ तुम्हें ये कह रहा था कि वो जो शर्मा जी है ना उनकी लड़की, हाँ हाँ क्या हुआ बताओ ना, तुम तो पूरी बात बताते नहीं हो। उनकी लड़की आजकल बहुत श्री कृष्ण भक्ति करने लगी है। ये भी कोई बात बताई तुमने, हम तो सोच रहे थे कि तुम कुछ ऐसा बताओगे कि शर्मा जी की लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई, या कोई लड़का उसको भगा कर ले गया। यानी हम ऐसी गंदी गंदी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, समय को नष्ट करते हैं। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। नारद पुराण, त्रिदशैरपि माने देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हमें ये मनुष्य शरीर मिल जाए। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, इतने भाग्य से मिलता है कि देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। तो ऐसे शरीर को पाकर हमें समय को बर्बाद नहीं करना है, एक एक क्षण को ईश्वर के भजन में लगाना है, और जितना संसार का आवश्यक कार्य है बस वो करना है, लेकिन फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना।